तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज। आज हम करने वाले 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हमने हैंड पिक किए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं। अगर आप गुड सेट की एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी ये एमसीक्यू काम लग सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे विद क्वेश्चन नंबर 1। In the extraction of chlorine by the electrolysis of brine, भाई brine मतलब क्या होता है? Brine मतलब समंदर का पानी। अब जो समंदर का पानी है उसमें से हम क्या करेंगे? तो आपको मिलेगा chlorine, ठीक है? Oxidation of Cl- into chlorine gas, जी हाँ, अच्छा, reduction of chlorine नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। Overall delta G naught becomes a negative value and a displacement reaction take place। अगर extraction करना है, reaction बहुत simple है, 2 times Cl minus gives us Cl2 plus 2 electron minus, simple है। ऐसे ही options बनाए गए हैं, लेकिन option A देखते ही पता चल गया कि सही answer है। Question number 2, when copper ore is mixed with silica in a reverberatory furnace, matte is obtained, matte, matte, जो भी आपको कहना चाहिए, copper matte या matte contains what? तो वो contain करता है Cu2S प्लस FeS, याद रखना भाई, Cu2S और FeS के मिक्सचर को ही तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हम कहते हैं मैट या मैटे। कॉपर यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करता है 1 और Fe यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करता है 2। सो कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, आयरन 2 है, कॉपर 1 है, आयरन 2 है, ये है आपका आंसर ऑप्शन सी। बराबर, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। A number of elements are available in the earth crust, but the most abundant are what? अभी एलिमेंट की बात चल रही है, तो सबसे पहले तो नंबर वन एलिमेंट आता है ऑक्सीजन, नंबर टू पे आता है सिलिकॉन, जो कि यहां पे है भी नहीं, है नहीं, नहीं। उसके बाद आता है पहला मेटल विच इज एल्यूमिनियम, सो वो ऑप्शन में है हमारे पास एल्यूमिनियम और आयरन कॉपर, दो ऑप्शन आपके पास। एल्यूमिनियम के बाद आएगा आयरन, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर एंड नॉट ऑप्शन बी। जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हाट? जोन रिफाइनिंग का एक ही प्रिंसिपल है, जो भी इंप्यूरिटीज है वो लो टेम्परेचर की जगह पे हाई टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्युबल है। सो वंस द टू कंपोनेंट्स आर इन कॉन्टैक्ट, वन विद अ लोअर टेम्परेचर, वन विद अ हायर टेम्परेचर, impurities will go in the higher temperature liquid wala form. कहाँ है? देख लो, पढ़ लो। Impurities are more soluble in a molten metal than in a solid metal. चलिए number 5. Brine, again मैंने कहा वैसे समंदर का पानी, is electrolyzed using inert electrodes. Okay? The reaction at anode. अभी बता दिया हमने Cl- में से Cl2 बने। इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ओर में से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे हम कहेंगे मेटलर्जी। क्या होता है? Al plus 3 is oxidized to aluminium, ये तो कंटेंट ही गलत है। Al plus 3 से Al मतलब रिडक्शन हो गया। ग्रेफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ ये सही बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द रिएक्शन एट एनोड, एनोड में ओ माइनस 2 था, वो आगे O माइनस 2 ही रहेगा। जैसे बताता हूं मैं आपको, कार्बन है प्लस क्या हुआ ऑक्सीजन माइनस 2, तो बना क्या? बना CO। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का नहीं, ऑक्सीजन का तो वही है, तो इसका मतलब क्या है? ये गलत है, ये चेंज जो है वो नहीं हो रहा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व, नहीं जी ऐसा भी नहीं हो रहा। कार्बन का चेंज हो रहा है और एल्यूमिनियम का चेंज हो रहा है, so that is why option B is your right answer. Electrolytic refining is used to purify which of the following metal? ठीक है, जो component का electrolysis हम करेंगे वो कौन होगा? आप जानते हैं copper हम कर सकते हैं और उसके साथ आप zinc कर सकते हैं, so that is true. बाकी सबके नाम बता देता हूं मैं, titanium याद है आपको, titanium tetraiodide या zirconium की तरह, वो हम vapor phase refining से purify करते हैं। इसी तरह से जर्मेनियम है, वो हम करेंगे किससे, सिलिकॉन किससे करेंगे, ये मेटलॉइड है, सेमी मेटल है, इसके लिए प्योरेस्ट मेथड बनाना है,
प्योरेस्ट फॉर्म में मेटल बना एलिमेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, जोन रिफाइनिंग करेंगे, जिंक एंड मर्क्यूरी डिस्टिलेशन करेंगे, क्योंकि ये दोनों लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विडेशन भी इज वन ऑफ द ऑप्शंस। चलिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स द लीचिंग विद साइनाइड, द मेटल इज रिकवर्ड बाय वॉट। बहुत सिंपल है रिएक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये रिएक्शन। देखो, 4M प्लस 8CN माइनस प्लस O2 प्लस 2 टाइम्स H2O गिव्स अस 4MCN ट्वाइस माइनस प्लस 4OH माइनस। ये तो पहला रिएक्शन हुआ लीचिंग का। फिर ये जो MCN ट्वाइस माइनस है उसके साथ जिंक का इस्तेमाल करेंगे तो मिलेगा आपको क्या, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ZnCN4 मिल जाएगा आपको माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स मेटल। सो मेटल एग्जैक्टली इज रिकवर्ड बाय द एडिशन ऑफ जिंक। चलिए, यहां पे ऑप्शन कौन सा लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अदर मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स आयन, रोस्टिंग द मेटल, कैल्सिनेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ऑब्वियसली दैट मेटल विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज जिंक, राइट, इन केस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय remelting the pig iron with a scrap iron and coke using the hot air blast, कौन सा सही है ये पूछा है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, बाकी कुछ पढ़ना नहीं है, कभी कभी कोई मिस्टेक से अगर दो ऑप्शन सही हो जाए तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी आपको पहले में आंसर मिल चुका है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्शन ऑफ सिल्वर, सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड एज कैटायनिक स्पीशीज, नो इट्स नॉट ट्रू। निकल इज प्योरिफाइड बाय जोन रिफाइनिंग, नो। ZR and TIR purified by Van Arkel, जी हाँ ये सही है, राइट, तो दो ऑप्शन सही है, ऐसा कुछ MCQ होंगे बीच में, डोंट वरी। चलिए, इन द फ्रॉथ फ्लोटेशन जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड कैन बी सेपरेटेड बाय व्हाट, अगर हम डिप्रेसेंट यूज करेंगे, बहुत बढ़िया, डिप्रेसेंट यूज कर लो भाई, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन, सल्फाइड ओर, सो हेमेटाइट ऑक्साइड है, गेलिना PbS सल्फाइड है, चलो ये आ गया आंसर आपका, एंड कॉपर पाइराइट CuFeS2 ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं सल्फाइड होने की वजह से, सो ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर आंसर्स। नंबर 12, द मेन रिएक्शन अकरिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द हेमेटाइट इज इक्वल टू व्हाट, तो हेमेटाइट मतलब के Fe2O3, तो Fe2O3 पहले गर्म कर देते हैं तो Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाता है, then we reduce it, Fe3O4 में से पहले मिलेगा आपको FeO, फिर मिलेगा FeO में से Fe, और rest slag बनने के processes है। यहाँ पे कौन से processes हैं जो हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे Fe2O3 है और उसमें से क्या बनेगा आपको Fe मिलेगा, जी हाँ, कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, which is favored, यहाँ पे मेरे हिसाब से ये वाला रिएक्शन, नॉट द कार्बन मोनोक्साइड, इट डज नॉट, टेम्परेचर की वजह से ये रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, चलो, कार्बन कार्बन मोनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन मोनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, स्लैग बनेगा, दैट इज ट्रू। चलिए, नंबर 13, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, व्हाट हैपेंस, कॉन्सेंट्रेशन के रिलेटेड बात कर रहे हैं, Na2SO4 डिक्रीजेस, Na2SO4 रिमेन्स कॉन्स्टेंट, Na2SO4 इंक्रीजेस। देखो, Na2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस इज जस्ट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यस और नो, पानी का ही इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो क्योंकि वो पानी का ही इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल है, पानी कम हो रहा है, Na2SO4 कांस्टेंट है, सो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, यस और नो। नंबर 14, व्हिच इज एन एलॉय, शंकु, कौन है शंकु, झंकु, शंकु, झंकुनी, याद है आपको, हाँ, तो ब्रोंज, ब्रास, झंकु, ब्रोंज, शंकु एंड जर्मन सिल्वर, झंकुनी। नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरिफाइड बाय मॉन्स कार्बोनल प्रोसेस, भाई बच्चा बच्चा जानता है, क्वेश्चन यही है किसके पापा का बच्चा जानता है, Mons carbonyl NiCO4 easy, which method is used to get the very pure germanium, germanium silicon किसके लिए, yes बता दो, zone refining, which compound is added from the fruit stabilizer in the
फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। भाई फ्रोथ स्टेबिलाइजर चाहिए हमें, जो फोम जो बना है ना उसको स्टेबिलाइज करना है। क्या टॉल्यूइन है, बेंजीन है, एनिलीन है, क्या लग रहा है आपको? आंसर है एनिलीन। विच मेटल्स प्यूरिफाइड बाय लिक्विफिकेशन? लिक्विफिकेशन कितना आसानी से होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। टिन है, सिलिकॉन का तो बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, राइट। निकल है, कॉपर है, कौन सा लग रहा है? टिन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स? ठीक है, प्यूरिफिकेशन, लीचिंग, वॉशिंग, लिक्विडेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन। अब ऑब्वियसली वॉशिंग इज नॉट अ मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन इज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, नॉट द प्यूरिफिकेशन, एंड लीचिंग अगेन इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन। सो लिक्विडेशन फॉर दोज कंपोनेंट्स विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इन टू द लिक्विड। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज द ऑफ कॉपर? मैग्नेटाइट, मैलेकाइट, मैलेकाइट, कैलामाइन, सिडराइट। ओके, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट आर द आयरन ओर्स, द कैलामाइन इज जिंक का ओर, मैलेकाइट इज कॉपर का ओर, कॉपर कार्बोनेट। 21. हीटिंग द पाइराइट्स इनटू एयर टू रिमूव सल्फर इज नोन एज व्हाट? पाइराइट्स में सल्फर होते हैं, हम ऑक्सीजन डालेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। क्या बोलेंगे उसको? रोस्टिंग। रोस्टिंग कहां है? ऑप्शन ए। द मिक्सचर मैटे बाई CU2S और FeS के मिक्सचर को क्या कहेंगे? मैटे, CU2S, FeS। बाय विच मेथड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द इंप्योरिटीज इन जिर्कोनियम आर रिमूव्ड? अब ये देखो यहां पे क्या बोला है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो इंप्योरिटीज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उनको जिर्कोनियम में से कैसे निकाले। अब जिर्कोनियम का नाम आ जाए तो ZrI4 बना देंगे और फिर वापस निकाल देंगे जिर्कोनियम को। कौन सा प्रोसेस? वेपर फेज रिफाइनिंग। कौन सा प्रोसेस? वन ऑकल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन हॉल हराल्ड प्रोसेस? हॉल हराल्ड प्रोसेस एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, उसमें क्या क्रायोलाइट यूज करेंगे, CF2 यूज करेंगे, ग्रेफाइट यूज करेंगे या Al2O3 यूज करेंगे? आपको क्या लगता है क्या इसका रिड्यूसिंग एजेंट है? तो हॉल हराल्ड प्रोसेस में द एनोड इज द कार्बन विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, बाकी एल्यूमिनियम तो रिड्यूस होता रहेगा, तो कार्बन, ग्रेफाइट, ये क्या है उसका रिड्यूसिंग कंपोनेंट। मेंशन द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग एन एग्जांपल ऑफ लीचिंग। ओके, लीचिंग कौन सा है? लीचिंग प्रोसेस ये रहा, अभी अपना फेवरेट रिएक्शन लिखा ना अपन ने, ये रिडक्शन है, रिडक्शन भी नहीं है, ये तो कुछ रिएक्शन ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी लिखा है। O2 ऑक्सी, ये रोस्टिंग है, और यहाँ पे ये क्या है? जिंक कार्बोनेट, ये कैल्सिनेशन। सो दोज आर द 25 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आज। इन क्वेश्चंस का PDF अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन हम लोग करने वाले इसके सेगमेंट नंबर 2 में, जनरल प्रिंसिपल्स एक्सट्रैक्शन का दूसरा वीडियो आने वाला है जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, छड़ा, बाय बाय। छोड़ दे अब उदासी, तू है हमारी दुआओं में, रख हौसला अपना बुलंद, मंजिल है बस इन आँखों में, तू गिर कर भी संभल सकता है राहों में, तू चल पड़ पुरुषार्थ ही अब निगाहों में। जीतेंगे 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 जीतेंगे, लेवल अप, इरादा पक्का है, लेवल अप, मंजिल को पाना है, लेवल अप, और आगे बढ़ना है।